तो आइए आज हम निर्गमन की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक छुटकारा देने वाला तैयार करता है। मूसा का जन्म, मिस्र में मूसा के पहले 40 वर्ष, मूसा का इसराइल से संबंध और उनके द्वारा अस्वीकार किया जाना और मूसा की गैर यहूदी स्त्री से शादी करना। इस अध्याय में हमारे सामने मूसा छुटकारा दिलाने वाला है। निर्गमन के पहले 11 अध्यायों में मूसा ही इसराइलियों को छुटकारा दिलाने वाला मुख्य व्यक्ति है। हम देख सकते हैं अध्याय 1 में इसराइल की मिस्र में गुलामी, अध्याय 2 मूसा का जन्म और उसके पहले के 40 वर्ष जो फिरौन के महल में थे, अध्याय 3 मूसा की बुलाहट और मिद्यान में उसके आगे 40 वर्ष और जलती हुई झाड़ी की घटना, अध्याय 4 मूसा के मिस्र में वापसी और इसराइल को दी गई रिहाई की घोषणा, अध्याय 5 से 11 में राजा फिरौन से प्रतियोगिता, मिस्र में की जाने वाली मूर्ति पूजकों के विरोध में परमेश्वर द्वारा भेजी गई 10 महामारी। निर्गमन छुटकारे की एक अद्भुत पुस्तक है और इस पुस्तक में न तो कुछ शुरू हुआ और न ही किसी बात का अंत हुआ। यह केवल एक साधारण क्रम का हिस्सा है जो उत्पत्ति से शुरू हुआ और जो लय व्यवस्था और गिनती की पुस्तक को जारी रखता है। मित्रों, मूसा का जन्म हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में, जहाँ पर लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। मित्रों, यह मानव की बहुत पुरानी कहानी है। जब कोई एक महिला को देखता है तो उसे वह प्रेम करने लगता है और एक दिन वो आता है कि उस महिला से वह विवाह करता है। वह महिला उससे उसी प्रकार से प्रेम करती है और उनका एक बालक उत्पन्न होता है और यही मानव जीवन है जो हमारे सामने है। मूसा यहाँ पर अपने माता पिता और अपने जन्म के विषय में लिखता है, इसलिए हमें बाइबल के दूसरे हिस्सों को भी देखना चाहिए ताकि हमें निर्गमन में लिखी गई और भी घटनाओं की ज़्यादा जानकारी मिले। अगर हमें मौका मिले तो हम अपने माता पिता के बारे में विस्तार से बताना चाहेंगे, पर मूसा ने अपने माता पिता के नाम का उल्लेख भी नहीं किया। वे साधारण लोग थे, वे गुलामी में थे, वे लेवी वंश के सदस्य थे। मूसा इस समय बस इतना ही बताता है। कुछ समय बाद में हमें उनके नाम बताए गए हैं, अब्राम और जोखेबेद। दूसरा पद हमें बताता है कि मूसा एक अच्छा और तंदुरुस्त बच्चा था। मूसा अपने विषय में भी अधिक विस्तार पूर्वक नहीं बताता है। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 3 पद में पढ़ते हैं, और जब वह उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। मित्रों, मूसा एक तंदुरुस्त बालक ही नहीं था बल्कि उसके पास मजबूत स्वास्थ्य थे। पहले तो मूसा के माता पिता उसको छिपाने में कामयाब हुए, पर एक ऐसा भी दिन आया जब मूसा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, अर्थात चिल्लाने लगा। और यह कितना बड़ा अंतर है कि कुछ वर्षों के बाद जब परमेश्वर ने मूसा को अपनी सेवकाई के लिए फिरौन के पास भेजा तब उसने कहा कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, अर्थात मैं बोलने में भद्दा हूँ। हम में से बहुत से लोग छोटे बच्चों की तरह रोने में सक्षम हैं, परंतु एक जवान व्यक्ति के रूप में हम परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। मित्रों, जोखेद की एक गंभीर समस्या थी, वह अपने बच्चे को अधिक दिनों तक नहीं छिपा सकी। बहुत से धार्मिक लोग उस माँ की सोच से भिन्न सोच रखते हैं और यह कहते हैं कि हम तो सिर्फ परमेश्वर पर ही भरोसा रखेंगे। ये बात कहने में तो बहुत आसान है, पर यदि हमारे साथ ऐसा हो तो क्या हम सचमुच परमेश्वर पर भरोसा रख पाएंगे? जोखेबेद अगर अपने बच्चे को घर पर ही छिपा कर रखती तो वह एक मूर्ख स्त्री ठहरती, क्योंकि उस बच्चे का रोना सैनिकों के द्वारा सुन लिया जाता और इसका अर्थ उस वक्त उसका हत्या करना होता। मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ कि जब पहरेदार वहाँ से पार होगा तो बच्चा नहीं रोएगा, लेकिन आप इसे कैसे जानते हैं? मित्रों, विश्वास कोई अंधेरे में बिना सोचे समझे कूदना नहीं है। जैसा कि कुछ वर्ष पहले मैंने एक उदारमतवादी को कहते सुना था, परमेश्वर हमसे उस पर विश्वास करने को कहता है जो उचित और दृढ़ है,
परमेश्वर कभी भी हमें बुद्धिहीन कार्यों को करने के लिए नहीं कहता है। जोखेबेद ने एक सद्बुद्धि का कार्य किया, उसने एक छोटी सी टोकरी बनाई और मूसा को उसमें रख दिया। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 4 पद में पढ़ते हैं, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखें इसका क्या हाल होगा। मित्रों, संदूक के निर्माण के अलावा जोखेबेद ने मूसा की बहन को भी उस पर नज़र रखने तथा उसके साथ क्या होता है या देखने के लिए भेजा कि उसके भाई को क्या होता है। उसकी समझदारी का कार्य इस ओर संकेत करता है कि वो परमेश्वर पर विश्वास रखती थी। हम निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5 पद में आगे पढ़ते हैं, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर पर आई, उसकी सखियां नदी के तीर तीर टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। अब परमेश्वर का हाथ प्रकट हुआ, परमेश्वर अब परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने जा रहे थे। परमेश्वर यही काम करते हैं जब आप और हम अपने सामान्य विवेक या बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और जोखेबेद ने संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया। फिरौन की बेटी नील नदी पर स्नान करने आई, निसंदेह यह एक निर्जन स्थान था और वहाँ वो टोकरी थी। उसने अपनी दासी को जो उसके साथ थी उस टोकरी को लाने के लिए कहा और वह उस टोकरी को लेकर आई। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। मित्रों, ठीक उसी क्षण वह एक सही समय था जब वह बच्चा रोने लगा। वास्तव में परमेश्वर ने छोटे मूसा को चींटी काटी होगी और उन्होंने उसे रुलाया होगा, और परमेश्वर 2 चीज़ों को एक साथ लाया जो उसने बनाई थी, एक बच्चे का रोना और एक औरत का हृदय। फिरौन की बेटी इस छोटे बच्चे को अनदेखा नहीं कर सकी। हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 7 पद में, लिखा है, तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। मरियम जो मूसा की बहन थी, उसने राजकुमारी को एक बहुत ही सुंदर और अच्छा सुझाव दिया। वह नहीं चाहती थी कि बाद में उसका छोटा भाई इन बातों को भूल जाए। मित्रों, यह एक बहुत ही मानवीय घटना है जिसे हम देखते हैं। परमेश्वर के पास उसकी हर एक किताब में हमें बताने को बहुत कुछ है। निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं, फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को ले आई। मित्रों, यह परिस्थिति में आया हुआ बदलाव है और यह दर्शाता है कि जब हम सद्बुद्धि के साथ काम करते हैं और उस पर चलते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार कार्य करते हैं। उस बच्चे की अपनी माँ को बुलाया गया उसकी देख रेख करने के लिए, और उसके लिए उसे कीमत भी दी गई। मित्रों, आप इसे टाल नहीं सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे दिलों में और हमारे जीवन में कार्य करते हैं तब आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले आई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल में से निकाल लिया। मित्रों, फिरौन की बेटी उस बच्चे को मूसा बुलाती थी, जिसमें मूसा का अर्थ है निकाला हुआ, क्योंकि उसने उसे पानी से निकाला था। हालांकि फिरौन के उत्पीड़न की पहचान एक विवादास्पद विषय है और यह एक निराधार कल्पना का विषय है। यह संभव है कि फिरौन की पुत्री द्वितीय रामसेस की सबसे बड़ी पुत्री थी, या फिर हो सकता है कि उसकी बहन थी। उस समय की मिस्री सभ्यता के अनुसार पहले जन्मे पुत्र को राजगद्दी का अधिकार होता था और द्वितीय रामसेस और उसकी रानी संतान रहित थे। इस प्रकार मूसा की अगली फिरौन बनने की संभावना थी। हम आगे देखते हैं मूसा की अपने लोगों को छुड़ाने की पहली कोशिश। मूसा के जीवन के पहले 40 वर्ष फिरौन के न्यायालय में बीते। उसकी परवरिश एक मिस्रवासी की तरह हुई। वह एक मिस्री के समान दिखता था, एक मिस्री के समान बोलता था और एक मिस्री के समान व्यवहार भी करता था। वह एक मिस्री के रूप में पहचाना गया जब वह मिद्यान को गया, जैसा कि हम बाद में निर्गमन के पुस्तक में देखने वाले हैं। मित्रों, मूसा ने महान सूर्य मंदिर में अपनी पढ़ाई की थी, जो उन दिनों का माना हुआ वरिष्ठ विश्वविद्यालय था।
मिस्री जितना जानते थे और जितने कार्यों को करते थे हमने उन्हें इससे कम आंका है। उनकी ज्योतिष विद्या सर्वश्रेष्ठ थी, वे सूर्य तक की निश्चित दूरी को जानते थे। उन्होंने इस सिद्धांत पर कार्य भी किया कि पृथ्वी सपाट नहीं वरन गोल है। वे बड़ी योग्यता से मुर्दों को सड़ने से बचाने के लिए उन पर विभिन्न मसालों का लेप लगाते थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे रसायन शास्त्र के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे। आज हमारे पास उससे बराबरी करने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। उनके रंगों की कारीगरी और योग्यता बहुत ही अद्भुत थी। उनके रंग हमारे आज के रंगों से भी चमकदार थे। मुझे पूरा विश्वास है अगर हमारे पेंट बनाने वाली कंपनियों को मिस्र के रंग बनाने की विधि का पता चल जाए तो वे उसके लिए मुंह मांगा रकम देने को तैयार हो जाएंगे। ये रंग चमकीले, सुंदर और 4000 वर्ष के पश्चात भी चौंकाने वाले हैं। मुझे तो अपने घर को हर 3 साल में रंगवाना पड़ता है। परंतु मिस्र की उपलब्धियां अद्भुत थी, लेकिन इसके अलावा मिस्रियों के पास एक अद्भुत पुस्तकालय भी था। और हमें बताया गया है कि मूसा को मिस्रियों की समस्त विद्या या शिक्षा दी गई थी और वह बातों तथा कार्यों दोनों में सामर्थ्य था। शिक्षा में सिर्फ एक सबसे बड़ी चीज की कमी थी, वह थी परमेश्वर की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। परंतु मित्रों, मूसा को कम मत आंकिएगा, वह एक बहुत ही विलक्षण पुरुष था। प्रेरितों की पुस्तक में स्तेफनुस हमें मूसा के उस समय के जीवन के विषय में अधिक बातें बताता है। प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय और उसके 20 से 29 पद, जहां पर लिखा है, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थ्य था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इसराइली भाइयों से भेंट करूँ। और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कहकर उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मित्रों, दूसरे शब्द में मिस्र में पाया गया परीक्षण मूसा को इसराइलियों को छुटकारा दिलाने के लिए तैयार नहीं कर सका। एक दिन जब वह बाहर था तब उसने गुलामों से काम लेने वाले सैनिक को एक इसराइली को सताते और मारते हुए देखा और यह देखकर मूसा ने उस सैनिक की हत्या कर दी। मूसा ने इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने हत्या करते हुए तो नहीं देख लिया, पर परेशानी तो इस बात की थी कि उसने ऊपर नहीं देखा। उसे परमेश्वर की ओर देखना चाहिए था जो उसे ऐसा कार्य करने से रोक देता, क्योंकि मूसा इसराइलियों को मिस्र से छुटकारे दिलाने के कार्य में 40 वर्ष आगे बढ़ गया था, अर्थात अभी परमेश्वर का समय नहीं आया था। इसलिए परमेश्वर उसे मिस्र से बाहर रेगिस्तान अर्थात निर्जन में ले जाएंगे ताकि उसे तैयार करें। आगे हम देखते हैं, मूसा मिद्यान में जाकर एक गैर यहूदी से शादी करता है। मूसा ने मिस्र में 40 वर्ष बिताए, परंतु जो आगे होने वाला था उसके लिए उसने उसे तैयार नहीं किया। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 16 पद से लेकर के 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं, मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास फिर आई तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपने बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ, उसने उसे अपनी बेटी सिपोरा को ब्याह दिया। मित्रों, मूसा को सिपोरा सौंप दी गई और उसने उसे अपनी दुल्हन बना लिया।
यह एक रोचक बात है कि पुराने नियम में कई पुरुष मसीह का चित्र प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि उनके जीवन की सारी विशेषताएं मसीह की ओर संकेत नहीं करती है, वे कर भी नहीं सकते हैं, परंतु कुछ बातें हैं जो निस्संदेह मसीह के प्रतिबिंब को प्रस्तुत करते हैं। मूसा एक हत्यारा था और वह मसीह के बिल्कुल विपरीत था, फिर भी मूसा एक छुड़ाने वाले के रूप में मसीह का चित्र प्रस्तुत करता है जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया मुक्तिदाता था। उसे इसराइलियों ने नकार दिया और वह गैर यहूदियों की ओर मुड़ा और एक गैर यहूदी स्त्री से शादी भी की। तत्पश्चात वह फिर से इसराइलियों के मुक्तिदाता के रूप में प्रकट हुआ और उसे स्वीकार किया गया। और इस प्रकार हम मिद्यान की भूमि में मूसा को पाते हैं और अगले 40 वर्षों के लिए यह उसका घर होगा। उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए। रेगिस्तान में वह इसराइलियों को मिस्र की बंधुआई से मुक्ति दिलाने की तैयारी शुरू करेगा। हमेशा ही मूसा के वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रश्न उठते हैं। मैं पूर्ण रूप से विश्वस्त हूँ कि उसने जरूर अपनी पत्नी से बेहद प्यार किया होगा, परंतु हमारे पास जो प्रमाण हैं उनके अद्भुत रिश्ते को प्रकट नहीं करते हैं। यह हिस्सा उसके जीवन की उन चीज़ों में से एक है जिन्हें मूसा ने किसी प्रकार बिता दिया। सिपोरा नाम का अर्थ होता है गौराया, जो संभवतः एक छोटी या उदास व्यक्ति की ओर संकेत करता है, लेकिन उसकी पत्नी का सहयोग मूसा के लिए जरूरी था।